फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम 2017 से 2018 में एंटर होने वाले हैं और आज मैं आपको केवल एक्सपीरियंस बोल के नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको उस एक्सपीरियंस का वीडियो भी दिखाऊंगा। गाइस, हम सब की लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें केवल एक सेकंड में सोचना होता है कि हमें करना क्या है। मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई थी। मुझे मैंने किसी फंक्शन में डांस करना था तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं भी डांस करूंगा। तो जब रिहर्सल में जाता था तो उस समय तो केवल चार लोग रहते थे रिहर्सल में, तो उतना वो नहीं लगता था। मैं चेयर में डांस करता था, बाकी सब डांस करते थे। लेकिन जब मैं स्टेज पे गया, जब मुझे स्टेज पे ले जाया गया और मैं चेयर पे बैठा और जब मैंने देखा 50 से 60 चेहरे मुझे घूर रहे थे, तो मैं ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल मुझे पता भी नहीं था कि अब मुझे क्या करना है। पर उन 50 से 60 चेहरों के बीच में दो चेहरे ऐसे थे जिनको देख के ना मेरा विल पावर बूस्ट अप हो गया। मुझे लगा, प्रांशु अब तो इस सिचुएशन में दो ही ऑप्शन है, या तो गिव अप या तो ग्रो अप। मैंने ग्रो अप वाला ऑप्शन सुना और मैंने डांस किया। वो वीडियो को मैं शेयर करने से पहले आपसे एक बात बोलूँगा, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को कभी भी मत छुपाओ। खासकर जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उस टैलेंट को दिखाने की, तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करो। T3 हमेशा ये याद रखो, टैलेंट, टाइमिंग और टेक्निक। अगर आपके अंदर टैलेंट है, टाइमिंग है और टेक्निक है उस टैलेंट को दिखाने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वेल, एंजॉय द वीडियो। और इनकी हिम्मत की तारीफ तो आप तालियों से कर सकते हैं।